नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी से राहत दिलाने वाली छाछ की बहुत ही आसान रेसिपी। और आज इस वीडियो में हम आपको छाछ मसाला भी बनाना बताएंगे। इस तरीके से अगर आप छाछ मसाला बनाकर छाछ बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी छाछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपको इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर के इसे बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम छाछ मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो इस प्रकार है: 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 इंच दालचीनी, पुदीना पाउडर, चुटकी भर हींग, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच काला नमक। अब एक पैन को गैस पर चढ़ाएं और इसमें जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च और दालचीनी डालें। इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करें। अब इसमें अजवाइन, पुदीना पाउडर और हींग डालकर चलाएं। मसाले को तब तक रोस्ट करें जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसे ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, बस इतना करें कि इसमें से खुशबू आए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें। अब गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा करने के बाद सबको एक ग्राइंडर में डालें। फिर इसमें ऊपर से नमक, काला नमक और आमचूर पाउडर डाल दें। इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लें। छाछ मसाला तैयार है। इसे आप स्टोर करके रखें और जब आप छाछ बनाएं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम छाछ बनाते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वे हैं: 1 कप दही, धनिया पत्ते, पुदीना पत्ते, काला नमक और सादा नमक। 1 ब्लेंडर में धनिया और पुदीना के पत्ते डालें, फिर इसमें डालें 1 कप दही। अब इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और काला नमक। इसे अच्छे से ब्लेंड करें। अब इसमें डालें 1 कप पानी और फिर से इसे अच्छे से ब्लेंड करें। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। ब्लेंडर में पानी डालकर अच्छे से घुमाकर फिर उसे इस बाउल में डालें। फिर इसमें डालें 1 चम्मच छाछ मसाला और 1 विस्क की मदद से अच्छे से मिलाते हुए फेंटें। अब एक सर्विंग ग्लास में थोड़े आइस क्यूब्स डालें, फिर इसमें ऊपर से छाछ डाल दें। ऊपर से गार्निशिंग के लिए छाछ मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दें और ऊपर से 1 पुदीने का पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल दें। तैयार है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग छाछ। भी बहुत ज्यादा आसान है और बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ये जो छाछ मसाले हमने बनाया है इसे आप एक कंटेनर में रखकर काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका छाछ बनाने का मन करे इसे यूज करके आप तुरंत छाछ बना सकते हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।